एग्जाम में कंटिन्यूसली बोल रही थी कि शिबाब मैंने कहा पानी 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 और फिर पानी पीकर रिलैक्स होकर आप लोगों के साथ हूँ और मैं तो बोल चुका हूँ, लेकिन अब हम आपको कुछ सुनाएंगे। और डोंट वरी, आप लोग इतना परेशान क्यों हो कि मैं आपको कुछ खरे खरे नहीं सुनाने वाली, कुछ खरी खरी नहीं सुनाने वाली, बल्कि अब इसमें कुछ इतने अच्छे सॉन्ग शामिल होने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ इस वक्त बहुत अच्छे एक सिंगर मौजूद है। और सबसे अच्छी इनकी है कि अभी कैमरा इनकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, आप सब लोग सुन लीजिए। अभी बात करें मुझसे कि सबसे अच्छी क्वालिटी इनकी ये है कि एक तो मतलब बड़े हैंडसम और एक लाइक मॉडल एक इनके लुक है, और साथ साथ आज वो जो यूज़ करें ना हारमोनियम यूज़ किया जाता है तो वो भी इनके साथ है। मैं देख कर हैरान हूँ कि एक न्यू जनरेशन की, और मतलब अब वो एक नज़र नहीं आता है वो जो पुरानी वाली कंसेप्ट के साथ लोग इतना पुराने स्टाइल से नहीं चल रहे, लेकिन जब आप हाशिम को सुनेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, आप अच्छा भी आपको लगेगा, और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी पूरी करने की जल्दी जल्दी से कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैं आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाऊँ और आपको लेकर चलूँ वाली हाशिम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हाशिम आप? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए। और अभी जो मैं बातें कर रही थी कुछ हमारे व्यूअर्स से, तो मेरे ख्याल है कि उसमें कोई शक भी नहीं है, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छी, आपके लुक्स भी हैं और आप स्पेशली हमारे शो में हमारे बुलाने पर आज आए भी हैं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी, लाइक आप लोगों ने इतने शॉर्ट टाइम नोटिस में मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। एक्चुअली मेरी कल फ्लाइट है USA की, तो आई डिड रिक्वेस्ट टू वन ऑफ माय फ्रेंड सलमान, yeah, who is our keyboardist as well. So you guys arrange it. Thank you so much and thank you so much once again. Okay. Really appreciate it. So Hashim, जल्दी से सॉन्ग की तरफ चलते हैं। Sure, why not? अभी क्या बाबू मुझे कह रहे थे ब्रेक से पहले कि दुआ से आप ब्रेक स्टार्ट। जी बिल्कुल, नुसरत फतेह अली खान साहब की हम्द है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। और हाशिम को सुने और हमें जरूर अपना लाइफ फीडबैक दीजिए। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा में हस्ती चला रहा है, वही खुदा
स्पेशली मॉर्निंग में बोलना बहुत मुश्किल होता है कि अगर मैं कुछ लोगों की आवाज सुबह सुबह सुन लेती हूँ ना, ओ माय गॉड, मैं कहती थोड़ी देख ले, चुप हो जाओ प्लीज, बहुत बुरी आवाज है, बट यू आर परफेक्ट, रियली नाइस, थैंक यू सो मच अली, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत हमारे व्यूअर्स को भी यकीनन मजा आएगा, क्योंकि अब जब एसएमएस आएंगे और हमें जब कॉल्स आनी शुरू होंगी तो वो आपको भी पता चलेगा कि लाइव रिस्पांस कैसा आपका रहा है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, बहुत बार आपसे पूछा जाता भी रहा और एक फॉर्मेलिटी है और पूरा करना भी जरूरी होता है, आप मुझे बताइए कब से आप सिंगिंग कर रहे हैं? It's been almost, I would say, 15, 16 years. I've been learning. I'm not saying singing, but I've been learning 16 years. Oh my God, seriously? Can you tell me about your age? Right now? Uh-huh. What do you think? सवाल के देखो ये एक बात बड़ा मतलब वो रहता है कि लड़कों से पूछना चाहिए, जब उन्होंने 15 इयर्स सिर्फ सीखने में गुजार दिए हैं तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। और क्या बात, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि हर्ट करना किसी को कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अली सलामकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल मजे में, फिट फाट, आप बताइए। लग रही है आप, सॉरी, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, मुझे अपना प्यारा सा नाम आपके शुक्रिया। जी 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 जी, मैंने सुना नहीं, आप दोबारा बताएंगे मुझे? मेरा नाम है कवल। आपका नाम है कवल, कवल कहाँ से कॉल कर रही है? अच्छी से। अच्छा, ये मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपका शो? जबरदस्त सर, आप चुप की एरिया बोले, आपके ज्यादा तो शो चल रहा है, आप बोलिए मैं बहुत बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच, आपको शो अच्छा लग रहा है, आपने तारीफ की। आप बताएं कोई सॉन्ग सुनना चाहेंगे? कोशिश करेंगे कि आपको अली से सुनवाए वो सॉन्ग। अच्छा, नुसरत फतेह अली खान का साया भी साथ जब छोड़ जाए। कौन सा? नुसरत फतेह अली खान का ही। आपकी फरमाइश बहुत प्यारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके लिरिक्स मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको मुखा जरूर सुनाऊं। ठीक है, आप सुनिए आप। ओके, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर भी हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो चुकी। अच्छा, मुझे कंफर्म करना पड़ता है क्योंकि हमारी कॉलर्स बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं। चलिए कमल, आपने रिक्वेस्ट तो की है और अब साथ साथ मेरे पास एसएमएस भी आने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शो आपका बहुत अच्छा जा रहा है, अभी अभी अली ने हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा, और इन्हें सलाम कह दें। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, आप तक पहुँच गया होगा। और ये हमें इरम ने किया कराची से, उन्होंने कहा कोई भी खूबसूरत सा सॉन्ग हम सुनना चाहेंगे अली से, तो अली कवल के लिए और इनके लिए कोई अच्छा सा सॉन्ग हो जाना चाहिए इरम के लिए। Sure, why not? Even though I would like to sing my own song, which is actually मैं अपनी एल्बम लॉन्च करने वाला हूँ pretty soon इंशाल्लाह। तो उसी के लिए एक पंजाबी सॉन्ग मैंने खुद कंपोज किया है, खुद उसको लिखा है, तो आई होप यू गाइस लाइक इट। ऑफ कोर्स। His songs came.
जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैंने खुद कंपोज किया है और खुद ही इसको लिखा है. बेसिकली मैं पंजाबी स्पीकिंग नहीं हूँ, आई विश आई वुड. मुझे इतनी अच्छी पंजाबी बोलनी भी नहीं आती है, तो कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा. नस गयो सजना क्यों वादियां तोड़ के, नस गयो सजना क्यों वादियां तोड़ के, हुण की होवेगा मेरा, हुण की होवेगा. नस गयो सजना वादियां तोड़ के, नस गयो सजना वादियां तोड़ के, हुण की होवेगा मेरा, हुण की होवेगा मेरा. ऐ नाते बोलवे नस गयो सजना वादियां तोड़ के. शगन नस गयो सजना वादियां तोड़ के, नस गयो सजना वादियां तोड़ के. नस गयो सजना वादियां तोड़ के, नस गयो सजना वादियां तोड़ के, हुण की होवेगा मेरा, हुण की होवेगा मेरा. ऐ नाते बोलवे नस गयो सजना वादियां तोड़ के, वादियां तोड़ के, वादियां तोड़ के. वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. अली की तरह मुझे भी पंजाबी बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन इस वक्त मैं एंजॉय कर रही थी इस म्यूजिक को, इस सॉन्ग को भी स्पेशली. वेरी नाइस, जबरदस्त. अली, आपने अभी बताया कि आपकी एल्बम अभी बिल्कुल जल्दी आने वाली है, रिलीज होने वाली, तो उसमें कितने पंजाबी सॉन्ग्स हैं, कितने आपने उर्दू सॉन्ग्स रखे? कुछ यू बिलीव इट नॉट, लेकिन आई लव पंजाबी स्पीकिंग. पंजाबी जो स्टाइल है उसके दो रूप है.
जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं खुद इतना बड़ा कोई खास अब नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो जहाँ तक मैंने अभी तक उसको प्रिडिक्ट किया है वो ये किया है कि मजा भी या तो बहुत फास्ट है या फिर बहुत सूफी में चला जाता है, बिल्कुल सूफी में चला जाता है या फिर सेमी क्लासिकल में चला जाता है। तो मेरा जो थोड़ा सा स्टाइल है मेरा बिल्कुल भी आजकल की जनरेशन के हिसाब से थोड़ा सा हटके है। कोशिश मेरी ये होती है कि कुछ सेमी क्लासिकल में हो, इसलिए मैं, और मुझे खुद यकीन नहीं आता कि ये पंजाबी मैंने लिखी है, मुझे पंजाबी लिखने का शौक है। वाओ जबरदस्त, वेरी नाइस। और इस वक्त आप लोग के जो मुझे एसएमएस यहां पे मिल रहे हैं अली के लिए, तो मैं सब तो नहीं पढ़ सकती क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम रह गया, आप लोग की इतनी रिक्वेस्ट भी आ रही हैं और वो पॉसिबल नहीं है कि इतने थोड़े से टाइम में हम सबकी रिक्वेस्ट पूरी करें, लेकिन कोई एक अच्छा छोटा सा सॉन्ग हम सुनना चाहेंगे अली से और इसी के साथ हम ब्रेक पे भी चले जाएंगे। अली थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ इस शो में रहे, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मजा आया। कोशिश तो यही थी कि ज्यादा सॉन्ग्स, लेकिन अब जाइएगा मत क्योंकि मुझे शो के बाद आपको सुनना है। ओके दैट्स वन ऑफ इट। तो अभी इन सबके लिए जो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और जो आपके लिए इतनी सारी बेस्ट विशेस भी कह रहे हैं, तो उन सबके लिए होना चाहिए श्योर। तो थोड़ा सा एक मुसफ्फत अली खान साहब का सॉन्ग है पीआरए, श्योर उसके साथ हम जाएंगे उस पर ब्रेक पे। श्योर श्योर। नैना ने थारी कैसा जादू किया रे, थर बिना लग नहीं मरा जिया रे, ओ थर बिना लग नहीं मरा जिया रे, प्यारे 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 प्यारे, थर बिना लग नहीं मरा जिया रे, ओ थर बिना लग नहीं मरा जिया रे। बसुरिया